प्रिय विद्यार्थी, मगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 वसंत का अध्याय 2 लाख की चूड़ी। इस अध्याय में हमने अब तक पढ़ा कि लेखक एक पदलू नामक मणियार की कहानी हमें बताता है, जो लाख की चूड़ियों का काम करता है। ये उसका पुश्तैनी काम है, लेकिन मशीनीकरण के युग के कारण लोग लाख की चूड़ियों को पसंद नहीं करते, कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब उससे मुलाकात करता है तो वह अपना दुख बताता है और वह कहता है कि शहरी औरतें ऐसी है जो अपने मर्द का हाथ पकड़े तो घूमेगी, तब तो उनकी नाजुक कलाइयाँ खराब नहीं होती, लेकिन मेरी लाख की चूड़ियाँ पहनने से उनके नोच आ जाते हैं। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिर भी करता था, लेकिन जब बदलू के पास जाता तो बदलू लेखक की अच्छी खातिरदारी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण में मुझे अच्छा लगता था वह ये था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देते। यानी लेखक जब बदलू के पास जाता तो बची हुई लाख से उसको वो गोलियां बना के देता जिससे वो खेलता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-2 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बाद ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हुआ। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की चूड़ियां की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। इस तरह से हमने देखा कि लेखक ने हमें यह बताया कि किस तरह से स्कूल में छुट्टियों के समय अपने मामा के यहाँ जाता और बदलू से मिलता। एक लंबी अवधि के बाद वो वहाँ नहीं गया, 8-10 वर्षों के बाद गया तो बड़ा हो चुका था और अब उसकी उन लाख की चूड़ियों में रुचि। इतना पढ़ने के बाद आज हम इस अध्याय के कुछ प्रश्न करते हैं जो आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में करने हैं, नोटबुक में करने हैं, और उनके उत्तर को समझना है कि ये उत्तर कहाँ तक ठीक है। पहला प्रश्न है, बदलू कौन था, उसका व्यवसाय कैसा चल रहा था। बदलू पैसे से मनियार अर्थात चूड़ी बनाने वाला था। वह लाख की चूड़ियां बनाकर बेचा करता था। उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी चूड़ियों की खपत केवल अपने ही गांव में नहीं अपितु दूसरे गांवों में भी थी। दूसरे गांवों के लोग भी उसकी चूड़ियां खरीदने आते थे।
दूसरा प्रश्न है, बदलू का स्वभाव, बदलू स्वभाव से कैसा व्यक्ति था? शादी विवाह के अवसर पर उसका व्यवहार कैसा होता था? बदलू स्वभाव से बहुत सीधा सादा व्यक्ति था, परंतु शादी विवाह के अवसर पर अपनी चूड़ियों के बदले मुंह मांगे दाम की जिद पर अड़ जाता था। उन्हीं अवसरों पर वह अपनी पिछली कसर दूर कर लेता था। इस तरह से इन दो प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इस अध्याय में आगे देखेंगे लेखक बदलू मणियार के बारे में क्या बताता है और कौन से प्रश्न हमें करने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।